एक्वेरियम सुना होगा, मंचूरियन सुना होगा, बट ये टेरेरियम क्या होता है? जी हाँ, मुझे भी कुछ यही सवाल आए थे। पहली बार जब मैंने टेरेरियम का नाम सुना था, उसकी फोटो देखी थी। आसान भाषा में बोले तो टेरेरियम होता है छोटा सा इकोसिस्टम, जैसे कि ग्लास के बॉक्स में पूरा इकोसिस्टम, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स, मिल्की वे, गैलेक्सी बना देना। और आज जब बनाएंगे ऐसी बड़े से ग्लास में एक बड़ा सा इकोसिस्टम जिसमें असली के पौधे, इंसेक्ट्स, छोटा सा तालाब और होगा मैजिकल धुआं। बट सबसे पहले बना के देखेंगे एक छोटा सा टेरेरियम। इसमें थोड़ी सी मॉस है, ईंटें हैं, खट्टी इमली टाइप पौधा। ओके, सो इसका तीसरा दिन हो चुका है, अभी भी कुछ भी सूखा नहीं है। बस ये डोर टेस्टर बनाया मैंने एक बड़े टेरेरियम के लिए। इस वाले मिनी टेरेरियम में नए रूट्स भी आने लगे थे और आई थिंक ये अच्छा साइन था कि ग्रोथ हो रही है, नई रूट भी उग रही है, बधाई हो। दोनों को दिन रात मोटिवेशन दे रहा था और कह रहा था मेरा नाम रोशन करना। और अगले दिन इसमें छोटे छोटे केचुए भी पैदा हो गए थे। इसका मतलब दोनों टेरेरियम फल फूल रहे हैं। सक्सेस। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, पेड़ पौधे छोटे टेरेरियम में बहुत अच्छे उग रहे थे। बट ये खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा दिखता है, बंजारा, सूना, एकदम मरा हुआ, और दूसरे वाले की हालत तो उससे भी बेकार है। वेल, सबसे बड़ा टास्क तो ये, जब इतने से टेरेरियम को हम खुश नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, तो इतने बड़े टेरेरियम को इतने टाइम के लिए कैसे मेंटेन करेंगे? वेल, इस बड़े से टेरेरियम को बनाने और मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, कीड़े, पौधे, पानी और छटा है मेरा दिल। वेल, तो मैं गया कश्मीर बेस्ट क्वालिटी के पत्थर उठाने के लिए, एंड कश्मीर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इसको लाएंगे अपने टेरेरियम में। बाय द वे, ये देखिए। वेल, देखा जाए तो कोई मिट्टी यूज कर सकते हैं हम, बट मेरे मिनिएचर टेरेरियम की नाकामी के बाद मैंने मंगाई 700 रुपए की मिट्टी, वो भी अमेज़न से। वेल, आपको बता दें, ऐसी वैसी मिट्टी नहीं है, टेरेरियम की मिट्टी है। वेल, इसमें कई सारी चीजें अलग अलग आती हैं, जैसे कि ये प्यूमाइस स्टोन करके पत्थर है, एक्टिवेटेड चारकोल, उसके ऊपर डाली जाती है सैंड, और आखिरी में डाला जाता है टेरेरियम सॉयल, जो कि हमारे प्लांट्स को पोषण प्रदान करेंगे। छोटे छोटे स्नेल्स मिल जाए यहाँ पे तो मजा ही आ जाए, मेरे टेरेरियम फले फूलेगा, लगेगा हाँ जिंदा है। एक क्यूट स्नेल फाइनली मिल गया, और ये स्नेल इतना क्यूट लगा मैंने तो सोच लिया इसको टेरेरियम में डालना ही पड़ेगा। फिर मैंने स्नेल के लिए इकट्ठा की बहुत सारी मॉस, ताकि उसको थोड़ा घर जैसा एनवायरनमेंट मिले। भैया, इन्हें सब फ्री में मॉस तोड़ने के लिए दे दिया, दिखाते हैं कितना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है, पिज्जा जैसा लगता है। जैसे ये ले लीजिए, ऐसे डाला पूरा एक बार में अंदर, और ये मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, बट ये लेंगे नहीं, बेकार है। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेस लेयर तैयार कर ली, फोम की लेयर तैयार की पहले मैंने, उसके बाद लगाए मैंने स्पेशली कश्मीर से लाए गए पत्थर, फिर मैंने डाले प्यूमिक स्टोन, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पता नहीं किस लिए काम आते हैं, बस मैंने लिखा था तो डाल दिए। अब डालेंगे इसमें मिट्टी, चारकोल और कोकोपीट का मिश्रण, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस है इसको एक्चुअली हम खा सकते हैं। तीसरा या चौथा दिन है, आई डोंट नो, बट क्विक अपडेट टाइम, इसमें काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। इसमें ये पौधों में दो फर्न के पौधे और जो बहुत सारी मॉस हम उठा के लाए थे ये वाली नर्सरी से, वो सारी मैंने यहाँ पे बिछा दी है, थोड़ा दूर दूर बिछाई है ताकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आए। दो ये कॉन्ट्रास्ट वाले पौधे, इनका नाम नहीं पता बट नर्सरी में अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने उठा के ले आए और डाल दिया। यानी केचुआ पता नहीं कहाँ से मिल गया था मुझे इसी मॉस में, तो वो भी उठा के मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल जीवन है। वेल, अब दिख नहीं रहा मुझे केचुआ इसी के अंदर कहीं घर बना रहा होगा, एक्सप्लोर कर रहा होगा। वेल, मिली है चिंटू से, AKA जंपिंग स्पाइडर। चिंटू मुझे मिला इधर उधर घूमते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको नया सा बड़ा सा घर दे दें, और जैसे ही मैंने उसको उठा के डेढ़ा मेढ़ा करके डाला, वो इतना खुश, हर जगह एक्सप्लोर कर रहा था, हर पौधे पे एक्सप्लोर कर रहा था, धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बना रहा था। और चिंटू को कंपनी देने के लिए मैंने एक और छोटा सा स्पाइडर मिंटू डाल दिया, ताकि दोनों अकेले ना फील करें, दोनों की दोस्ती हो जाए। सब कुछ इस टेरेरियम में अभी तक तो बहुत सही दिख रहा है, बट थोड़ी कमी लग रही है पेड़ पौधों की। आई होप इसमें एक जंगल होता, बट जंगल कैसे ले आएंगे? ले आएंगे। ये है चिया सीड्स, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, ऐसे एक बंदा होता है पॉट में इधर उधर लगाता है, फिर बहुत सारे पेड़ उसके बाल ऐसे उग जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं सीड्स को इसमें बिखेर दिया जाए, शायद जंगल उग जाए। पूरे टाइम मैं ही कर रहा था। तो फाइनली अब वो वक्त आ गया जब हम अपने सुपरस्टार पिंटू स्नेल को ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैंने पिंटू को निकाल के इस बड़े से टेरेरियम में डाला, अलग सी वाइब आने लगी इसके अंदर, इधर उधर चलने लगा, इधर उधर जाने लगा, एक्सप्लोर करने लगा चीजें, नई छुपने की जगह ढूंढने लगा, इसको अच्छा एटमोसफियर मिल रहा था, इसको देख के ही खुशी लग रही थी। वेल, रेडियो चाहिए क्यूटनेस से भरा सीन देखने के लिए, मैंने इसको छोटा सा टमाटर दिया कि शायद खाएगा नहीं खाएगा, उसको भूख लगी, क्योंकि एक्चुअली ये क्यों कितने प्यार से गुबड़ 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 कचर कचर करके खा रहा है। थोड़ा सा खाने चल लिया अपने रस्ते,
फिर अगले दिन मैंने इसको छोटा सा केला दिया है, वो भी कितना क्यूटली खा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा छोटा बच्चा है, टाइम टू टाइम फीड कर रहा हूँ मैं, और कितना अच्छा लग रहा है देख के, अब पता चला बाप बनने की फीलिंग। मीनवाइल छोटे छोटे जो चिया सीड्स डाले थे इतने बड़े जंगल में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये एक क्यूट सा टाइम लैप्स। एक क्यूट सी चीटी भी मुझे मिल गई, तो क्यों ना सोचा उसको भी एक नया घर दे दे। वेल सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, इतनी मेहनत के बाद फाइनली इसमें वक्त है वो जादू डालने का। मिलिए मिस्ट मेकर से। वेल ये वो यंत्र है जो मेरे पूरे जंगल को, पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा सा मॉइस्चर, एक फॉग, एक मैजिकल जापानीज एस्थेटिक फॉरेस्ट टाइप लुक देगा। एक सबसे ज्यादा चीज जो हम देख के शॉक है कि ये छोटा सा मूंग का एक बीज इतना बड़ा पेड़ बन सकता है। I mean, किसने सोचा था? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। आज तक हमने सिर्फ स्प्राउट देखे थे, इतना बड़ा पेड़ बन गया, पूरा जंगल बन गया। एंड जहां तक अभी देखा था सब कुछ अच्छा फल फूल रहा है, बट एक जो फैंसी वाला पौधा था अनफॉर्चुनेटली हम लोग के बीच नहीं रहा। आई थिंक या तो 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है उसकी वजह से, गर्मी की वजह से वो मर गया, या तो कोई और रीजन हो सकता है, या तो मेरे प्लानिंग प्लॉटिंग में गलती हो गई। बट गुड न्यूज, दूसरा वाला फुली सर्वाइव कर रहा है। बोलिए कांच का बड़ा सा टैंक जो कुछ ऐसा दिखता था, इसमें मैंने जीवन डाल दिया। इसमें पौधे हैं, पेड़ हैं, मिट्टी है, हार्ट बीट्स हैं, छोटा सा पिंटू है इसमें, और एक प्यारा सा तालाब विद मैजिकल फाउंटेन है इसमें, और क्या चाहिए। वेल मैं जिसने आज तक एक भी पौधा नहीं होगा इतना बड़ा टेरेरियम बना लिया, तो आई थिंक थोड़ा सा अचीवमेंट तो है ये। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक करिए, एंड ये वाली वीडियो नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, ताकि एल्गोरिथम को पता चल सके कि और भी अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम। ओके बाय।